उज्जैन में जनसुनवाई करीब 9 महीने बाद शुरू हो पाई। पीड़ित बड़ी संख्या में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। कलेक्टर आशीष सिंह ने उनकी शिकायतों को सुना। पीड़ितों की शिकायती पत्रों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई बंद थी, जो अब शुरू हो गई है। इस पहले मंगलवार को बड़ी संख्या में पीड़ित और परेशान लोग पहुंचे। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना के संक्रमण के दौर के बाद में पहली बार जनसुनवाई आयोजित करी गई है और कई सारे आवेदनकर्ता, कई सारे शिकायतकर्ता यहाँ पर आए हैं। कुछ दो तीन जो शिकायतें प्रमुख रूप से कब्जे से संबंधित थी कि सूदखोरी से संबंधित थी, कि जिनमें किसी तरीके से लोन लिया गया था और उसका भुगतान भी हो गया था, लेकिन किसी ने चेक ले रखे थे, किसी ने कब्जा कर रखा था। ऐसे दो मामलों में तत्काल ही चेक वापस कराने की कार्रवाई करवा दी गई है और कब्जा हटाने की कार्रवाई अभी थोड़ी देर में करवा दी जाएगी। इसके अलावा भी कुछ कुछ बीमा से संबंधित या दूसरे इस प्रकार की शिकायतें आई हैं। संबंधित विभागों को वहीं पर निर्देशित किया गया, उनका जल्दी जल्दी निराकरण करें और सारी शिकायतों को सीएम हेल्पलाइन में भी हम लोग जो है वो दर्ज करवा रहे हैं, जिससे कि आगे उसका फॉलो करें। तो सम्मान निधि को लेकर कुछ किसान पहुंचे थे यहाँ, तो उन लोगों को अभी तक नहीं मिली है। या किसान सम्मान निधि को लेकर भी दो तीन किसान थे, उसमें दो तीन प्रकार के मामले थे। किन्हीं की ज़मीनें दूसरे ज़िले में थीं और किस्त जो है वो बाद में अपात्र हो गए थे, तो जो भी उसका निराकरण बनेगा वो करवाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।